करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे साइकोलॉजिकल कैसे कनेक्ट होती है। तो हम इसका एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल बड़ा क्लियर है जो मैं लूंगा कि नॉर्मली यूजली लोग मंदिर में टिपिकल डे को जाते हैं। लेट्स अज्यूम एक आदमी हर ट्यूजडे को हनुमान जी के दर्शन करने मंदिर जाता है, तो पूजा करा। अब हमें लगेगा कि उसको जॉब चाहिए इसलिए कर रहा, हो सकता है भाई जॉब चाहिए, लेकिन जॉब के बाद भी वो जाता है तो। और कभी आप उस आदमी से पूछे क्या वो रोज जाके पूछता है दे दो दे दो दे दो, ऐसा तो नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर जीडी भार्गव है और मैं प्रेजेंट करता हूं आवर ब्रेन आवर लाइफ को। आज हम बात करने जा रहे हैं, बड़ा अलग टॉपिक है। आप भी कहेंगे कि सर आप सब जगह ही साइकोलॉजी गुजारे हो, बट क्या करें, मनोविज्ञान के बिना तो इस संसार में कुछ है नहीं। क्योंकि अगर आप थोड़ा भी पढ़ेंगे भगवत गीता को, जो मैं टीच करता हूँ जैसे भगवत गीता हीलिंग में, तो भगवान कृष्ण के अलावा मैंने कोई इतना बड़ा साइकोलॉजिस्ट आज तक देखा नहीं जितने बड़े वो थे। सिर्फ हम धर्म के चश्मे के अलावा साइकोलॉजी के चश्मे से उसको देखते नहीं है, ये हमारी प्रॉब्लम है। हम उसको मनोविज्ञान के ढंग से देखें तो आप देखेंगे कि उनसे बड़ा साइकोलॉजिस्ट अभी तक तो कोई नहीं है। तो हम आगे चलते हैं जर्नी पे, ये समझने के लिए वीडियो है क्या, तो मैं आपको बताता हूँ। वीडियो ये क्या है, सभी लोग पूजा करते हैं, ये मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, क्योंकि मेरे को मालूम है 11% लोग अथिस्ट हैं जो पूजा नहीं करते। जो कोई पूजा मीन्स ऐसा नहीं है कि हम गुरुद्वारे में मंदिर में मस्जिद में जाते हैं उसी को पूजा करते हैं, कुछ लोग घर पे बैठ के भी पूजा करते हैं, लेकिन कुछ 11% लोग हैं जो बिलीव ही नहीं करते इस दुनिया में कोई एनर्जी है, सुपर एनर्जी है या वॉर्ड है, वो बिलीव ही नहीं करते। तो 11% लोगों के बावजूद साइकोलॉजिकली एवरीवन डज द पूजा, एवरीवन मैं बोल रहा हूं। तो अभी हम इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे। इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा मुझे, तो मुझे लगा आपसे मैं शेयर करूं कि पूजा क्या होती है, और सबसे पहले मैं समझ लेंगे पूजा क्या होती है और साइकोलॉजिकल कैसे है, अटैच कैसे है। तो हम चलते हैं जर्नी पे। तो सबसे पहले समझने की जरूरत है पूजा क्या है। पूजा एक बिलीफ सिस्टम है, सबसे पहले आपका फेथ है, आपका विश्वास है, आपका बिलीफ है, आपका बिलीव है उसके ऊपर, यही पूजा है। अब हम इसको एग्जांपल वाइज प्रूव करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे साइकोलॉजिकल कैसे कनेक्ट होती है। तो हम इसका एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल बड़ा क्लियर है जो मैं लूंगा कि नॉर्मली यूजली लोग मंदिर में टिपिकल डे को जाते हैं। लेट्स अज्यूम एक आदमी हर ट्यूजडे को हनुमान जी के दर्शन करने मंदिर जाता है, तो पूजा करा। अब हमें लगेगा कि उसको जॉब चाहिए इसलिए कर रहा, हो सकता है भाई जॉब चाहिए, लेकिन जॉब के बाद भी वो जाता है तो। और कभी आप उस आदमी से पूछे क्या वो रोज जाके पूछता है दे दो दे दो दे दो, ऐसा तो नहीं करता ना भगवान को, नहीं नहीं मेरे को ये भी दे दो मेरे को वो भी दे दो, वो पूजा करता आ जाता है तो क्यों जाता है, या कोई मस्जिद में जाता है, कोई गुरुद्वारे में जाता है, क्या वो रोज मांगता है उससे जाता, चर्च में जाता है, रोज नहीं मांगता कोई भी, नहीं नहीं दे दो कोई भी नहीं मांगता फिर भी जाते हैं, क्यों, क्योंकि हमारा बिलीव सिस्टम है इसलिए हम जाते हैं, हमें मालूम है कि अगर हम जाएंगे तो हमारे साथ कोई बुरा नहीं होगा, दैट इज आवर बिलीव सिस्टम, हमारे साथ सब ठीक ठाक होगा, हमारी लाइफ ठीक ठाक चलेगी, हेल्थ वेल्थ ये सब चीजें ठीक रहेंगी, इसलिए हम जाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, आजकल बच्चे जो है शुरू से ही पेरेंट्स बोलते हैं भाई 11 सोमवार 16 सोमवार रखो, ठीक है तो आपको अच्छा पति मिलेगा। अब वो उस चक्कर में हम, उसका भी एक रीजन है, भगवान शिव का जो पूरा डिपार्टमेंट है वो बहुत बड़ा है, जब कभी कहेंगे तो उस पर स्पेशल एक वीडियो बनाएंगे, साइकोलॉजिकल सारा डिपार्टमेंट अटैच है। तो हम समझने की कोशिश करते हैं, वो 16 सोमवार रख रही है बच्ची, तो उसको क्या मालूम कब शादी होने वाली है, कैसा आदमी मिलने वाला है, बट वो हमारा बिलीफ सिस्टम, और दोनों ही अपने बिलीफ सिस्टम के कारण पूजा कर रहे हैं, और सब अच्छा होता है तो बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहता है। अब हम लेके चलते हैं इसके अंदर अगला ऑप्शन कि मान लो वो नेगेटिव होने वाला, ठीक है नेगेटिव हो गया कुछ, नेगेटिव क्या हो गया, नेगेटिव ये हो गया कि
उसको रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिले तब क्या होगा। लेकिन उससे पहले एक चीज और भूल गए हम, उसको कंसीडर करते हैं कि अथीस्ट वो आदमी गायब हो गया था ना बीच में से, असली तो वीडियो वही उसी का नाम है, अथीस्ट आदमी भी पूजा करता है। अब कैसे? वो सेल्फ पूजा करता है, वो कहता है कि मैं ही सब कुछ हूं, ठीक है, मेरा अपने पे फेथ है, मेरी विल पावर ही सब कुछ है, मैं ही सब कुछ काम करूंगा, मैं ही जो सोचूंगा वैसा रिजल्ट आएगा। ऐसा ही तो कर रहा है वो, और वो उसी पे मेहनत कर रहा है, ठीक है। His belief system always self-dependent. अपने आप, मैं जो प्लान कर रहा हूं, मेरा जो माइंड बोल रहा है, मेरा जो ब्रेन है, वो जैसा जैसा बोलेगा वैसा वैसे रिजल्ट आएंगे। तो उसका बिलीफ सिस्टम अथीस्ट का ये है। अब हम इसके नेगेटिव पार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। वो नेगेटिव पार्ट हमें बताएगा, क्योंकि जब सब कुछ गुड़ी गुड़ी चल रहा है ना, तो साइकोलॉजिस्ट को कोई पूछता भी नहीं है, ना ही एस्ट्रोलॉजर को भी पूछता है, ना ही किसी ऐसे आदमी को पूछते हैं जो गुरु होते हैं। हम तभी जाते हैं उनके पास जब वक्त थोड़ा टफ हो जाता है। तो इसको हम थोड़ा सा नेगेटिव की तरफ घुमाते हैं, और फिर हम देखते हैं पूजा साइकोलॉजी से कैसे मिलती है। अब हम इसको नेगेटिव में लेकर चल रहे हैं, नेगेटिव पॉइंट। अब जो आदमी रोज हनुमान जी की पूजा कर रहा है, उसको जॉब नहीं मिल रहा। जो लड़की ने बेचारी ने बहुत मेहनत करके 16 फॉर्म भर के अच्छा पति नहीं मिला, तो क्या होगा? उसका बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग। तो पहला बिलीफ क्या होगा उसका? यार मेरे ना पूजा करने में ना कोई लफड़ा होगा, मैंने पूजा अच्छे से नहीं की, राइट, मेरे को कुछ सुधार करना पड़ेगा। अभी साइकोलॉजिकल नहीं है तो और क्या है? साइकोलॉजी में इसके लिए वर्ड यूज करते हैं डिनायल स्टेज, ब्रेक कर, आइस ब्रेक कर दिया हमने डिनायल स्टेज का। अगर हमने डिनायल स्टेज से हम बाहर आ गए, हम क्यों रह जाएंगे? ये बेसिक सिद्धांत है साइकोलॉजी का। तो वो डिनायल स्टेज से पहले ही बाहर आ गए, उसको कोई चिंता ही नहीं है, वो तो कह रहा है भाई मेरे को तरीका गलत था, मैं दोबारा तरीका ठीक करूंगा, मेरा रिजल्ट आ जाएगा। अब वो जब दोबारा करेगा तो उसमें सिर्फ पूजा में करेक्शन नहीं करेगा, ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीजों में करेक्शन करेगा, अपने काम करने के ढंग में भी करेक्शन करेगा, और 90% चांसेस है उसका रिजल्ट बेटर हो जाएगा। लेकिन साइकोलॉजिकली क्या है, डिनायल स्टेज उसकी चेंज हो गई, राइट। और दूसरा हम क्या बोलते हैं, दो चीजें हम बड़े यूज करते हैं, एक तो मैंने बोला कि मेरे करने में गलती होगी होगी, सेकेंड ये भगवान की इच्छा है। अब ये भगवान की जो इच्छा है, वो हमने क्या किया, अपना जो स्ट्रेस लेवल है इमीडिएटली पास ऑन कर दिया उस यूनिवर्सल पावर पर। तो इससे क्या होगा, आपका एंजाइटी लेवल तुरंत जीरो आ जाएगा। ये आप एक्सपेरिमेंट घर पे कभी भी कर सकते हैं। जिस टाइम आप अपने आप को एंजाइटी में पाए, आप अपने आप को समझे कि मैं बहुत ज्यादा एंजाइटी में आ गया हूँ, मैंने एंजाइटी के बता रखे हैं आपको, जब आप एंजाइटी में जाते हो मेरे दूसरे वीडियो में देख सकते हो, और बोलोगे तो मैं इसमें भी कमेंट बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। तो वो एंजाइटी में आ गया हूं, तो आप सिर्फ इतना सोचिए सब कुछ आपकी इच्छा है, इमीडिएटली एंजाइटी लेवल इमीडिएटली डाउन आ जाएगा, इंस्टेंट डाउन आएगा, ये डोज मिल गई आपको, ठीक है। तो ये तो हो गया पूजा करने वाले। अब उसको पकड़ते हैं जो अथीस्ट है, तो वो तो कहता है मैं पूजा करता ही नहीं। अब उसके साथ नेगेटिव हो गया, ठीक, तो किसी के साथ भी हो सकता है। अब वो सबसे पहले घुस जाएगा इसमें गलती क्या करी, मैंने तो सब कुछ अच्छे से प्लान किया था, मैंने सब कुछ अच्छे से एग्जीक्यूट किया था, एनालाइज भी किया था, कंट्रोल भी किया था, कहां गलती हो गई। अब वो डिनायल स्टेज में फंस गया, अब वो डिनायल से बाहर नहीं आ पा रहा, और जब वो डिनायल से बाहर नहीं आएगा तो डिप्रेशन लेवल बढ़ जाएगा। अब उसमें से कुछ लोग आ सकते, जो लोग आ जाएंगे तो बहुत बढ़िया, वो उनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है, ऑरा स्ट्रांग है, ऑरा का वीडियो मेरा दूसरा देख सकते हैं आप, ठीक है। तो वो पर ऐसे चांस कम है, मुश्किल से 2-3% लोग हैं, वरना जो 95-97% लोग ऐसे हैं वो डिप्रेशन लेवल में चले जाते हैं अगर वो फेल हो गए। अगर आपने डॉक्टर कलाम को पढ़ा होगा, डॉक्टर अब्दुल कलाम जिनको मिसाइल मैन बोला जाता है, जब उनका पहला मिसाइल फेल हो गया था, ठीक है, तब उन्होंने ये चीज बोली कि कोई ना कोई ऐसा चाहिए होता है जिसका आप सहयोग ले सकते हैं, वो गुरु हो सकता है, वो आपका गाइड हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। तो वो ट्रस्ट अगर किसी और पे चला गया तो आप शिफ्ट हो गए, लेकिन ये जो पर्सन है बिल्कुल स्टेट रहा था। तो जो है उसका डिप्रेशन लेवल बढ़ गया। अब सेकेंड फेज कि उसने सोचा कि नहीं, मेरे को पता लग गया गलती क्या है,
अब इसमें बोलेगा किसी ना किसी ने कॉन्स्पिरेसी कर दी मेरे लिए, कोई ना कोई दोस्त है उस पर वो शक करने लगेगा, अपने नियर एंड डियर पर शक करने लगेगा। तो बिलीफ सिस्टम में फेथ सिस्टम की पूरा सर्कल ब्रेक हो गया। अब जब फेथ नहीं होगा तो एंग्जायटी लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि आप सबको ही शक की निगाह से देख रहे हो, आप अपने नियर एंड डियर को भी देख रहे हो और पब्लिक को भी देख रहे हो, परेशान हो गए। तो डिप्रेसिव या एंग्जायटी कहीं ना कहीं आप फंसने के चांसेस बढ़ जाएंगे अगर आप अथीस्ट लेवल पे स्टेबल रहते हो। हाँ, बीच बीच में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जब टफ टाइम में शिफ्ट हो जाते हैं, आप चेक कीजिएगा, बहुत सारे लोग। तो अब साइकोलॉजिकली बेसिकली बिलीफ सिस्टम है हमारा, और वो बिलीफ सिस्टम हमने पूजा से ठीक कर देते हैं। अब बात आती है कि ये जो मैं बोल रहा हूं इसका कोई प्रमाणिक है कोई शास्त्र में? बिल्कुल है, भगवत गीता में जो हम टीच करते हैं भगवत गीता हीलिंग, उसमें भगवान बताते हैं अर्जुन को कि दो तरह के लोग हैं जो मेरी पूजा करते हैं, एक निराकार और एक साकार। निराकार वो है जो मूर्ति पूजन नहीं करते, जो अर्थात वो मंदिर मस्जिद नहीं जाते होंगे, ठीक है, वो नहीं जाते, मतलब मंदिर नहीं जाएंगे, वो पूजा नहीं करेंगे, वो घर पे ही अपने आप के सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं। तो वो अंदर अपने परमात्मा को ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो वही लोग हैं एथिस्ट, वो अपने आप को ही परमात्मा मान रहे हैं, मंदिर नहीं जा रहे, ठीक है ना। दूसरा उन्होंने बोला साकार लोग, जो मेरे पूरे मूर्ति पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, पूरा विश्वास करते हैं, दान धर्म करते हैं, ऐसे लोग जो साकार मूर्ति से बात करते हैं। तो ये भगवान ने भगवत गीता में ऑलरेडी बोला है। तो दो ही तरह के लोग हैं, तो निराकार को हम अथीस्ट बोल रहे हैं आजकल, क्योंकि हम जल्दी से फॉर्म से इन्फ्लुएंस जल्दी होते हैं, वहां जो बोल दें बहुत बढ़िया, हम जो बोल दें इंडियंस नहीं नहीं बेकार, ये अभी हमने कई सारे चीजों में नोट करने की कोशिश की। तो ये क्लियर हो गया कि जो पूजा नहीं करते वो निराकार हो गए, वो उनको मन में ही अपने आकार है, मन में ही सबको ढूंढने की कोशिश करते, सेल्फ ड्रिवन है बेसिकली सिंपल भाषा में। और दूसरे लोग आमने सामने किसी न किसी चीज को वर्चुअल चीज के लिए, उनके लिए वर्चुअल है सब कुछ, हमारे लिए वर्चुअल नहीं होता उन लोगों के लिए। तो दोनों में डिफरेंस है। तो आगे चलते हैं, मेरे ख्याल क्लियर हो गया होगा हाउ साइकोलॉजी अटैच विद दैट। सेल्फ बिलीफ सिस्टम को मेंटेन करना, अपनी गलती को खुद मान लेना बिना किसी के बताए बहुत टफ है। मुश्किल से 1-2% लोग आपको मिलेंगे जो अपनी गलती सेल्फ रियलाइज कर लेंगे, वो पूजा करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो थोड़ा लेवल ऊपर हो जाते हैं, और ऐसे लोग हैं कोई इशू नहीं। लेकिन सेल्फ बिलीव सिस्टम को खुद एनालाइज करना, क्योंकि हम बड़े मुश्किल है खुद को ठीक ठाक कर पाना। ये आपने देखा होगा मैथ की थ्योरम खराब हो जाए ना तो अपने आप ठीक नहीं होती थी, वो हम जब पढ़ते थे ना मैथ तो ठीक नहीं होती थी, उसको ठीक कराने के लिए किसी ना किसी को पूछना पड़ता था, भाई ये कहाँ गलत हो गया, आंसर तो नहीं आ रहा, और वो एक मिनट में बता देता, क्योंकि हमें भी आता होता था बट वो एक मिनट में बता देता। तो सेल्फ बिलीफ सिस्टम में अपनी गलती को ढूंढना काफी टफ हो जाता है। दूसरा कम्युनिकेशन विद गॉड, आप मंदिर में गए, आपने अपना स्ट्रेस रिलीज कर दिया यार, आपकी इच्छा, आपने चार बातें की, दो मुलाकातें की, चार गालियां भी दी होंगी भगवान को, रोए, सब हंसे उसके साथ, स्ट्रेस रिलीज। बेसिकली स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, बाकी काम तो बाद में है ना, स्ट्रेस हो गया एंजाइटी होगी, एंजाइटी होगी तो कुछ ना कोई बीमारी लेके आओगे, ठीक है। तो बड़ा आसान है पूजा मेरे हिसाब से, एज ए साइकोलॉजी एवरीवन डज पूजा। बिलीफ सिस्टम आपका अगर स्ट्रॉन्ग है तो बहुत बढ़िया, आप अथीस्ट भी हो सकते हैं। अगर बिलीफ सिस्टम में कोई भी 1% का भी गैप है तो आपको पूजा मेथड फॉलो करना चाहिए, उससे क्या होगा आपके रिजल्ट बहुत बेटर होंगे। इस वीडियो में आपको कोई क्वेरी हो, कोई डिस्कशन हो, कुछ ऐसा पूछना हो, डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो नेट में साइकोलॉजिकली जो अथीस्ट लोग हैं वो भी पूजा करते हैं। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो जरूर इसको लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम जुड़े रहें आपके साथ।